कि सरकार आनाकानी ही माना जाएगा, क्योंकि सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल वो हम लोगों की तरफ दृष्टिपात कर दें, केवल नजर दौड़ा दें, हम लोगों का काम हो जाएगा। ए उमस तो कह देने से हम लोगों का काम हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। हम लोग हाई मुट्ठी भर कितने लोग हैं, ये हमारा आरोप है सरकार के ऊपर, ये सब आईएस चला रहे हैं और इसीलिए समस्याएं सबसे बड़ी खड़ी है कि वो सुनना नहीं चाहते, कोई हमारी बात वहां तक जा नहीं रही। इनकी बहुत सारी समस्याएं ऐसी जो कि बहुत जायज है और उनपे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में साथियों नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी विषय पे आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आए और क्या इनकी मांग है। जी कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन हमारे संगठन का नाम है और जो विशेष शिक्षक हैं, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा एवं पुनर्वास की मुख्य धारा से जोड़ने वाले विशेष शिक्षक हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी विभिन्न मांगे हैं, उनको लेकर के हम आज यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। लगभग कितने सालों से ये ऐसी मांगे? ये 19 वर्ष हो गया है हम लोगों की नियुक्ति को और 18 वर्ष से हम लोगों ने अपनी मांगे जो है सरकार के समक्ष पहुंचाना प्रारंभ कर दिया था। 18 वर्ष हो गया है, ठीक है, 18 वर्ष हो चुका है लेकिन आज तक कोई भी निराकरण नहीं किया गया। कभी 10%, कभी 20%, यहाँ तक बढ़ाते रहे कुछ समय और इधर 8-9 वर्ष हो गया है, तब से एक नया पैसा नहीं बढ़ाया। क्या लग रहा है सरकार इसमें आनाकानी कर रही है या फिर? देखिए सरकार आनाकानी ही माना जाएगा, क्योंकि सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल वो हम लोगों की तरफ दृष्टिपात कर दें, केवल नजर दौड़ा दें, हम लोगों का काम हो जाएगा। ए उमस तो कह देने से हम लोगों का काम हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। हम लोग हाई मुट्ठी भर कितने लोग हैं और जो चाहे तो हम लोगों के परिवारों को 2 मिनट में संपन्न कर सकते हैं, लेकिन वो चाहे तब ना। शिक्षक इसमें पीड़ित होंगे अभी कितने? क्या सारे लोग पीड़ित हैं? सारे हमारे विशेष शिक्षक पीड़ित हैं। अभी जब किसी के लिए कोई विशिष्ट योजना बनी ही नहीं, कोई परमानेंसी का कोई प्रस्ताव ही नहीं लाया गया, या हम लोगों के वेतन मान या मानदेय में वृद्धि का कोई वही नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है सारे लोग पीड़ित हैं। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे संवर्ग में जो पीड़ित ना हो। संख्या कितनी होगी? हमारी संख्या लगभग 3,000 है प्रदेश में, जिसमें से कुछ हमारे सेवा प्रदाता के माध्यम से 300-400 लोग, बाकी 2300 लोग हम लोग हैं जो डायरेक्ट संविदा के उस पे हैं। आज आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं तो कहाँ कहाँ आप मेमोरेंडम दे? मेमोरेंडम तो हमारा उत्तर प्रदेश के सरकार को हमने लगातार दिया है, क्योंकि जंतर मंतर पाने का उद्देश्य हमारा ये है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, यानी जिस पॉलिसी के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं, वो एक केंद्र पोषित योजना है। केंद्र पोषित योजना है और केंद्र पोषित योजना का सारे राज्य क्रियान्वयन कर रहे हैं, लेकिन सारे राज्य अपने अपने ढंग से क्रियान्वयन कर रहे हैं। हमारा राज्य केंद्र सरकार से आग्रह है कि जब केंद्र पोषित योजना है और उस पर विशेषाधिकार आपका है, तो सारे राज्यों में समान अधिकार समान नियम लागू होने चाहिए। सारे राज्य जो है कम से कम इतनी आप मॉनिटरिंग करें कि सारे राज्यों में एक समान वेतन व्यवस्था होनी चाहिए। एक समान अगर वेतन व्यवस्था नहीं है, एक राज्य 55,000 दे रहा है, कोई राज्य 35,000 दे रहा है, कोई राज्य 15,000 दे रहा है, कोई राज्य 7th पे कमीशन भी दे रहा है, और इन इतना ज्यादा विचलन जो है, इतनी ज्यादा विचलन की स्थिति में हमारा जो विशेष शिक्षक संवर्ग है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश का विशेष शिक्षक इसलिए प्रभावित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना जरा दूसरे प्रकार की है। अगर कोई एक हमारा विशेष शिक्षक किसी विकास खंड में तैनात है, तो उस विकास खंड की जनसंख्या और विकास खंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो बहुत बृहद है, और वहां पर उसको जाने के लिए एक महीने में कम से कम 5,000 से 6,000 रुपए का पेट्रोल खर्च करना पड़ता है, और उसके बाद में अपनी बाइक भी खर्च करनी पड़ती है, उसके बाद में और भी संसाधन जो है वो भी सब अपने खर्च करने पड़ते हैं। हम लोगों को रूखा सूखा 15,950 रुपया मिलता है और 2,000 रुपया कंसालिडेट अमाउंट मिलता है इसका, यात्रा भत्ता का। अब आप सुन लीजिए, किसी आपसे हम कह दें आप दिल्ली जाइए और दिल्ली से आप बॉम्बे भी चले जाइएगा और बॉम्बे से वापस आकर के आप चेन्नई होकर के फिर दिल्ली आ जाइएगा और आपको हमें 2,000 रुपया दे रहे हैं, तो ये संभव है आप जा पाएंगे? ये स्थिति है हम लोगों का, 15,000 उसी में खत्म हो जा रहा हम लोगों का। हम लोग समझ लीजिए कि चैरिटी के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, जी राज्य सरकार क्या कर रही है आप लोग? देखिए राज्य सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार 15,950 दे रही है और राज्य सरकार के कुछ हमारे जो अधिकारीगण हैं वो कहते हैं क्या हमसे पूछ के आपने नौकरी किया है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बढ़िया चीज और नौकरी मिल जाए तो उसको कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो राज्य सरकार नहीं दे रहे हैं, योगी जी ध्यान दे दे तो हम लोगों को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़े? अच्छा। अगर योगी जी ध्यान दे तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? इतनी दूर दूर से आ कर कर हम लोगों को भोजन पानी त्याग करके यहाँ आके बैठे हैं, तो अगर योगी जी ध्यान देते होते तो हम लोग यहाँ ना बैठते आकर के। योगी जी अगर ध्यान दे तो 1 मिनट में काम सब हो जाए भाई साहब। जी योगी जी का तो बात हो गया, आप मोदी जी से क्या आग्रह कर रहे हैं? मोदी जी से यही आग्रह है,
मोदी जी से यही आग्रह है कि केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, मोदी जी से यही आग्रह है कि जब एक ऐसी योजना, एक महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन आप पूरे देश में करवा रहे हैं, और उस देश में आपको यह भी मॉनिटरिंग करनी होगी कि कौन राज्य अपनी स्वेच्छाचारिता से कार्य कर रहा है, कौन समान रूप से काम कर रहा है। आपके अगर पॉलिसी में एक रूपता नहीं है तो आप हमसे कार्य में एक रूपता की अपेक्षा कैसे करते हैं? आपको एक रूपता की अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा कर ले रहा तो वो क्या आप क्यों नहीं कर सकते हैं? भाई उसकी क्षमता है वो कर ले रहा, हमारी क्षमता हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे में बीमार है वो नहीं कर पा रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों आप करा रहे हैं फिर? तो ये कहने का मतलब हमारा मोदी जी से है कि आप मॉनिटरिंग कराएं कम से कम, और राज्यों की समीक्षा करें कि इन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले जो विशेष शिक्षक हैं इनके बारे में आप क्या कर रहे हैं। इतना ये तो घृणित है, ये तो मतलब हास्यास्पद है कि आप 15,950 में इनको जो है क्या कर रहे हैं कि बंधक बना करके काम कर रहे हैं, एक तरीके से यही कहा जाएगा, क्योंकि आप सीधे कह रहे हैं कि हमने आपको बुलाया नहीं। ये बात बहुत गलत और खेदजनक है। आज आप जंतर मंतर से कहां कहां ज्ञापन देंगे? देखिए आज हम जंतर मंतर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे, महामहिम राष्ट्रपति माननीय को ज्ञापन देंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ज्ञापन देंगे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को ज्ञापन देंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को ज्ञापन देने के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि वो जो स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र है, यानी जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको वही वहां से गवर्न करते हैं, वो उन्हीं के पराफेरी में आते हैं, इसलिए हम उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं, मेरा उद्देश्य यह भी था कि जंतर मंतर पर आकर के जब हम लोग एकत्रित होंगे आप लोग भी आएंगे, और आप लोगों के माध्यम से जब हमारी बात शासन प्रशासन तक जाएगी तो हो सकता है उनके कान में जू रहेंगे और हमारी समस्याओं पर एकदम उनका दिमाग थोड़ा काम करे, और हो सकता है कि हमारा कुछ काम ठीक कर दे। उससे अपेक्षा तो मुझे यही है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब वो सबका साथ सबका विकास वाली अवधारणा पर कार्य कर रहे हैं, हर मंच पर हर भाषण में उनका यही वो आता है कि सबका साथ सबका विकास, तो भाई हम का सब नहीं है क्या? हम या तो हमारी परिभाषा निर्धारित कर दें कि हम आप सब किस श्रेणी में नहीं आते हैं, तो या फिर यह निर्धारित कर दें कि सबका साथ के साथ में आपका विकास नहीं होगा, यह निर्धारित कर दें। जब इनमें से कुछ नहीं होगा तो या तो फिर हमको परिभाषा हमारी बता दे कि हम आए क्या। ठीक है, सवाल जी, मैसेज क्या होगा जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो सरकार में बैठे लोग हैं? देखिए जो दर्शक हमको देख रहे हैं, मैं सामाजिक संगठनों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों से, विभिन्न कर्मचारी संगठनों से, विभिन्न मीडिया के बंधुओं से, और भी जो संस्थाएं हैं जो समाज के क्षेत्र में आंशिक कार्य भी आंशिक योगदान भी अपना देती हैं, उनसे मैं अपेक्षा करता हूं और आग्रह करता हूं कि हमारी इस बात को, हमारी इस आवाज को, इन विशेष शिक्षकों की आवाज को उठाएं। ये केवल विशेष शिक्षकों की आवाज नहीं है, वो लाखों मतलब देश में लाखों दिव्यांग बच्चों की आवाज है, लाखों दिव्यांग बच्चों की आवाज है जो बड़ी लालसा भरी नजर से देखते हैं जब हम उनके पास पहुंचते हैं, उनके अभिभावक, और वो लालसा भरी नजर से देखते हैं कि ये आए हैं हमारे बच्चे के अंदर कुछ सुधार होगा। हम लोग उसी अपेक्षा में उनके साथ इतना जुट जाते हैं, इतना जुट जाते हैं कि हमें अपने परिवार का ध्यान भी नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके साथ में बहुत बेहतर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम हफ्ते में एक दिन उनके पास पहुंच पाते हैं। अगर उनकी नियमित व्यवस्था कर दी जाए, ये तो ऐसा विषय है, ये बौद्धिक अक्षम बच्चा अगर है उसको हम निरंतर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी का बताया हुआ ठीक 10 मिनट बाद वो भूल जाता है, और आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद जाइए, एक महीने बाद जाइए, तो कैसे संभव हो पाएगा? मैं आग्रह करता हूं सरकारों से, कंसर्निंग अथॉरिटीज से, आप मीडिया बंधुओं से, सामाजिक संगठनों से, सभी से आग्रह है कि हमने जो मुहिम छेड़ी है भाई साहब, ये मुहिम बहुत बड़ी मुहिम है, और ये दिव्यांग बच्चों की मुहिम है, उनके अभिभावकों की मुहिम है, हमारी मुहिम है, हमारे बच्चों की मुहिम है, इस मुहिम को हम बंद नहीं होने देंगे। अगर हमारे मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और वो जरा सा भी संज्ञान ले लेंगे तो मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के जितने भी विशेष शिक्षक हैं सभी के परिवार खुशहाल हो जाएंगे, सभी के मस्तक पर चंदन लगेगा। हमारा आरोप है सरकार के ऊपर, ये सब आईएस चला रहे हैं, और इसीलिए समस्याएं सबसे बड़ी खड़ी हैं कि वो सुनना नहीं चाहते, कोई हमारी बात वहां तक जा नहीं रही। इनकी बहुत सारी समस्याएं ऐसी जो कि बहुत जायज है, और उन पे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, हमारे 18 लाख कर्मचारी हैं, उसका पूरा अध्यक्ष हूँ, तमाम सारे आंदोलन हम लोग करते हैं, उसमें इनकी मांग को भी रखते हैं और इनकी तमाम सारी चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि भाई इनके क्या होगा आगे चल के, तो आगे चल के इतना बड़ा समुदाय हमारा होता है, हम लोग उनको ही मिलाकर चलते हैं, तो इनके ऊपर जब हम लोग पूरा बड़ा आंदोलन करेंगे तो उसमें इनको रखकर उसमें बात करेंगे उनके सामने जाकर, और इनकी मांग का मनवाने का प्रयास करेंगे। हम लोग कभी चांद तारे नहीं मांगते, हम लोग वही चीज़ मांगते हैं जो जायज़ होती है, दूसरे स्टेट में देते हैं और हमारे स्टेट में नहीं देते, या कहीं कहीं गलत होता है उसी को हम लोग मांगते हैं, या किसी और राज्य में मिला हुआ है जो सुविधा अभी उत्तर प्रदेश के अगर टीचरों की बात की जाए उनको नहीं दी जाए। बिल्कुल सही बात,
कई स्टेट में मिला हुआ है, वही कंपेरेटिव लेके हम लोग जाते हैं भाई इन जगहों पर। उत्तराखंड में सबसे अच्छा वेतनमान अगर दिया गया है तो उत्तराखंड में दिया गया। अब सरकारों को कहना होता है कि वो उत्तराखंड में, हम छोटा स्टेट है नहीं देंगे, लेकिन वहीं जब दूसरी बात आती है आईएएसओं के लिए आती है तो आईएएस कहते हैं कि हमको अपर मुख्य सचिव बनाया जाए। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश में कभी नहीं था, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उन्होंने सिर्फ ये कह के बनाया कि हमको बिहार में मिलता है इसलिए हमको दिया जाए, उत्तर प्रदेश हमारे लागू हुआ। तो दूसरे जगह की बात अधिकारी अपने लिए मनवा लेते हैं, हमारे लिए नहीं मांग। क्या योगी जी से मांग है या मोदी जी से? नहीं, ये तो योगी जी से मांग है हमारे स्टेट की अगर बात करें, और सेंट्रल की बात करें, सारे स्टेट की बात करेंगे तो मोदी से। और कोई एक ऐसे ही नारा दुनिया के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चल सको इस सब कमियों के बावजूद, उनके लिए सरकार से क्या कहना मैं मेरा नाम सोनिया यादव है, मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से हूँ। और ये काफी समय से हमारे साथ बचपन में ही थे, जो हमें पढ़ाया करते थे और काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे से शिक्षा दी और हम में से कई लोग सफल भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी जी से, हमारे गुरुजन की मांग है जो भी सम्मानजनक स्थिति उन्हें प्रदान की जाए, जो सुविधाएं आवश्यक है हमारे गुरुजनों को मिलनी चाहिए। हमारी मांगे पूरी हो, जाए जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जाए जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जाए जो मजबूरी हो। अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज कर्मचारी संयुक्त प्रसाद उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश शिक्षक एसोसिएशन जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश शिक्षक एसोसिएशन जिंदाबाद।